हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड जितेंद्र। आईटी स्पोर्ट हिंदी की इस न्यू वीडियो में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्विटर के ऊपर। ट्विटर के ऊपर आप कैसे शेड्यूलिंग कर सकते हैं, वो कैसे आप अपनी पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं, वो कैसे आप अपनी पोस्ट के ऊपर देख सकते हैं कि कौन से व्यूवर आ रहे हैं, कहाँ से व्यूवर आ रहे हैं और उनको उस पोस्ट के ऊपर क्या रीच आ रही है, इंप्रेशन क्या आ रहा है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आज मैं इसके बारे में बात करूँगा। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले जैसे कि मैं हमेशा आप सबसे अपील करता हूँ कि प्लीज़ आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के घंटे को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर आप बेल आइकन के घंटे को दबाते नहीं हैं तो जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाएगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बेल आइकन के घंटे को जरूर दबाइएगा। तो चलिए फ्रेंड, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ट्विटर खोलता हूँ। ऑलरेडी मेरा ट्विटर यहाँ पे ओपन हो पड़ा है। आई टी स्पोर्ट का मेरा ट्विटर है, ट्विटर अकाउंट है, इस पर मैं अपनी पोस्टें वगैरह शेयर करता रहता हूँ। तो फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पोस्टों को देखना चाहते हैं और उनके ऊपर आप पूरी नज़र रखना चाहते हैं या शेड्यूलिंग करना चाहते हैं, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो मैं आपको आज एक ट्विटर का ही एक वर्जन है, ट्वीट डेस्क, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसमें आपको सारी पोस्टें दिखाई देंगी, आपको पता लगेगा कि क्या हैशटैग ट्रेंडिंग चल रहा है और किस पोस्ट के ऊपर कौन से विजिटर आ रहे हैं और ज़्यादातर लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं, और आपको ये मैसेज के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में अच्छे तरीके से आपको बताता रहेगा। फ्रेंड, ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल ही आपको कोई अलग चीज़ ना इंस्टॉल करनी पड़ेगी। मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई हुई है शेड्यूलिंग के ऊपर, तो उस पर मैंने एक सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको बताया था कि आपको कैसे शेड्यूल करनी पड़ती है पोस्ट। बट ये ट्विटर का ही एक पैनल है जिस पे हम जाके काम करते हैं। आप देख रहे होंगे ये ट्विटर डेस्क twitter.com है, तो आप इस लिंक के ऊपर जाके अपना अकाउंट को वैसे ही लॉगिन कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ अकाउंट, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लॉगिन हो गया। अगर आप कोई पोस्ट डालना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे गया हूँ और यहाँ पे मैं कोई पोस्ट डालना चाहता हूँ, चलिए फ्रेंड मैंने एक वीडियो का लिंक घेर दिया यहाँ पे, तो ये मेरी एक वीडियो है आईटी स्पोर्ट की, तो मैं चाहता ये मेरे फेसबुक पेज की एक वीडियो है आईटी स्पोर्ट की, तो मैं चाहता था कि ये वीडियो का मैं कोई टाइम शेड्यूल करना चाहता हूँ या फिर कुछ। देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पे इससे शेड्यूलिंग दे सकता हूँ कि ये कब चीज़ पोस्ट हो, तो हमने इसे टाइम दे दिया है, ये 2:21 PM 19 मई 2019 को पोस्ट हो। तो कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये उसी टाइम पे पोस्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया के सामने, ये देखिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चला गया शेड्यूलिंग सेक्शन के अंदर। तो शेड्यूलिंग के अंदर जाके ये ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे शेड्यूलिंग कर सकते हैं, पोस्ट बना के कर सकते हैं। आप ट्रेंडिंग टैग को देख सकते हैं कि कौन सा ट्रेंडिंग टैग अभी चल रहा है, क्योंकि आज वोटिंग हो रही है तो वोटिंग के ऊपर आपको काफ़ी ट्रेंडिंग टैग मिलेंगे। वोटिंग के ऊपर काफ़ी, ये देखिए वोटिंग के ऊपर काफ़ी ट्रेंडिंग हो रहा है इस टाइम राइट नाउ। तो ये पैनल आप यूज़ कीजिए, क्योंकि ये पैनल बहुत ही सिंपल है और इसमें आपको मल्टीपल चीज़ें मिलती है देखने के लिए कि आप इस पे होम पेज भी है, नोटिफिकेशन भी है, कोई मैसेज आएगा तब भी है। ट्रेंड तो बहुत ज़रूरी है, ट्रेंडिंग के बिना आप हैशटैग कैसे यूज़ करेंगे वो इसके ऊपर जो बहुत ज़रूरी है। तो साथ ही साथ आपकी शेड्यूलिंग पोस्टें आप देख सकते हैं और ऐड आप कोई भी ऐड कॉलम कर सकते हैं। अगर आप कुछ चाहते हैं, इंप्रेशन चाहते हैं, रीच चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप इसे ऐड कर सकते हैं। ये एक एडिशनल पार्ट है जिसमें आप ऐड कॉलम करके कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जो जो मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत है वो मैंने यहाँ 5 चीज़ें ऐड की हुई हैं। आप चाहते हैं कुछ और ऐड करना वो भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसके साथ मल्टीपल अकाउंट चला सकते हैं। आपके 2 ट्विटर अकाउंट है आप 2 चलाइए, आपके 3 ट्विटर अकाउंट है आप 3 चला सकते हैं इसके साथ। तो एक ही पैनल के अंदर आपको सारे अकाउंट इकट्ठे चलाने को मिलेंगे, और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही है कि आपको बार बार ट्विटर का अकाउंट बदलना नहीं पड़ता। अगर आप SEO में वर्क करते हैं तो आपको पता है कि ट्विटर के अंदर आप पोस्ट करते हैं किसी की भी, तो आपको अलग अलग अकाउंट पर जाना पड़ता है, पर ये सिंगल अकाउंट होगा जिस पर आप अलग अलग अकाउंट को एक बार में एक्टिव कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अलग अलग अकाउंट के अंदर एक ही पोस्ट को डाल सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपकी कोई इंक्वायरी या क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मेरे फेसबुक पेज पे आ सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर मिल जाएगा। इस पे आके आप मेरे से कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, किसी भी तरह की आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं या आपके दिए हुए टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ वो आप वो चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें।
और फ्रेंड ये वीडियो देखने का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।